अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी है जी मज़ेदार से आलू के क्रिस्पी कटलेट्स। तो फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिए मैंने आलू बॉयल 750 ग्राम्स, 1 टेबलस्पून मैंने क्रश एंड रोस्टेड धनिया एंड ज़ीरा लिया है, 1.5 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, कॉर्नफ्लावर में जाएगा जी 2 टेबलस्पून, इससे अच्छे से बाइंडिंग होगी क्रिस्पी। सॉल्ट जाएगा इसमें जी 1.5 टीस्पून। अनियन ले रही हूँ मैं एक दरमियाने साइज की, इसको मैं रफली चॉप कर लूंगी। अनियन हो गई है रेडी जी, अब इसको भी मिक्स कर लेंगे मिक्सचर में। अब इसमें जाएगा जी लेमन जूस जो मैंने लिया है 2 टेबलस्पून भरकर। धनिया और पुदीना ले रही हूँ 1 टेबलस्पून। तमाम चीजों को अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे, इनकी अच्छे से बाइंडिंग करेंगे। ये जी अच्छी तरह से हो गया है मिक्स। अब मैं इसे मैरिनेट करने के लिए 1 आवर के लिए फ्रिज में रख दूंगी। इस तरह से ये अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। 1 आवर हो चुका है, अब हम इसे चेक करते हैं और बनाते हैं जी आलू के कटलेट्स। जो भी शेप देना चाहें आप दे सकते हैं, मैं इसे इस तरह से शेप दे रही हूँ। अब मैं इस तरह से ये सब बना लूँगी ताकि हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है ब्रेड क्रम और अंडे में इसको डिप करना है, तो उसके लिए आसानी हो जाएगी। हम पहले इस तरह से सारे रेडी करके रख लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने ये सारे शेप्स दे दिए हैं और अब मैं इसे डिप करूँगी अंडे में और फिर हम दूसरा हाथ यूज़ करेंगे ब्रेड क्रम्स के लिए। एक ही हाथ से अगर हम सारा करेंगे तो सारा जो है अंडा और ब्रेड क्रम हमारे हाथों में ही लग जाता है, इसलिए ये ज़रूरी है कि आप एक हाथ ब्रेड क्रम्स के लिए रहने दें और दूसरा हाथ अंडे में डिप करने के लिए। इसी तरह से मैं 1 बाय 1 सारे बना के रेडी कर लूँगी। ये देखिए जी सारे रेडी हो गए हैं, ऑयल गरम हो चुका है पैन में। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। थ्री मिनट्स बाद मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। हमें इन्हें चारों तरफ से अच्छा सा कलर देना है, सब तरफ से ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। दो मिनट में इसे मजीद दूंगी और फिर से डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये रेडी हो गए हैं जी, मैं डिश आउट करती हूँ। ये देखिए तैयार है मज़ेदार से आलू के क्रिस्पी कटलेट्स। मज़ेदार से खुशबू आ रही है इसमें से, आप इन्हें बनाएं, कमेंट करें मुझे आपको ये कैसे लगे। ये बहुत मज़े के बने हैं, आप इसे चटनी रायते सैलड के साथ पेश करें। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये ऊपर से कितने क्रिस्पी और अंदर से कितने सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए ये बहुत ही मज़े के बने हैं, आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।